नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज़ को, हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस शेयर में अभी जो हाल हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद इसमें जो है गिरावट भी हमें देखने को मिली और गिरावट का जो है हमें लगातार कंसोलिडेशन इसमें अभी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें ये गिरावट आपको कब जो है फाइनली खत्म होते हुए देखने को मिल सकती है और ये गिरावट क्या अभी कंटिन्यू रहने वाली, क्योंकि एक बहुत जो है नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, काफ़ी नेगेटिव जो है चीज़ निकल के आ रही है। सेबी ने काफ़ी बड़ी जो है इन पर पाबंदी लगाई है और जो है इसमें हो सकता है कि कुछ दिन आपको और भी गिरावट देखने को मिल जाए और इसमें प्राइस मूवमेंट आपको ऊपर ना जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्यों वो जिसमें कि जो है अभी गिरावट अभी आपको और देखने को मिल सकती है, क्या वो वजह है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे इसके आगे के टारगेट, इसमें कब आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और अभी इसमें तेज़ी आएगी तो ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, आपको फ्रेश बैंक अभी इसमें करनी है कि नहीं करनी है, और आपको फ्रेश बैंक करनी है तो कौन सा लेवल आपका फ्रेश बैंक का सबसे अच्छा रहने वाला है, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलायंस पावर में आज दिन कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली। तो देखिए, इसमें ओपनिंग आज बहुत ही अच्छी हुई थी, 93.90 पर ओपनिंग हुई थी और उसका देखिए ओपनिंग आज क्या हुआ, नीचे गया, फिर देखिए लगातार नीचे पे नीचे इसमें देखने मिली और ये काफ़ी हमें देखें तो 93.35 का इसने लो लगाया था और उसका देखिए थोड़ा सा इसमें अप ट्रेंड भी देखने वाला था और अप ट्रेंड के बाद देखिए ये देखिए पूरा दिन इसमें फिर कंसोलिडेशन साथ जो है मोड हमें देखने को मिला। ओपनिंग देखिए इसमें ऑलमोस्ट देखिए अपर सर्किट के साथ इसमें ओपनिंग हुई थी, लेकिन जल्द ही इसमें देखिए गिरावट आ गई थी, मतलब कि सर्किट हमें बहुत जल्द टूटता हुआ देखने को मिला था। अभी देखिए ये 93.45 पर ट्रेड कर रहा है, 45 के इसमें गिरावट आज देखने को मिली, ऑलमोस्ट 3.24% आज इसमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है, मतलब कि अच्छी खासी इसमें आज गिरावट हमें देखने को मिली है। वन वीक की बात करें तो वन वीक में इसमें ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है, 35% की गिरावट इसमें एक सप्ताह में हमें देखने को मिली है। वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में इसमें ऑलमोस्ट देखिए 16.72% गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये शेयर अभी गिर चुका है अगर बात करें एक महीने में। बात करें इसमें वॉल्यूम आज एडिशन कैसा हुआ है, किस तरह का वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहा है, तो देखिए आज वॉल्यूम लगभग 80,97,102 शेयर की जो है इसमें आज ट्रेड हुई है, मतलब कि शेयर में आज बात करें तो इसमें वॉल्यूम आज कम देखने को मिल रहा है। अगर कंपेयर करें काफ़ी जो है इसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, करोड़ों में वॉल्यूम चलता है, 2-3 करोड़ वॉल्यूम जो है इसमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो है इसमें 80 लाख ही देखिए वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मतलब कि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेगेटिव चीज़ हमें दिखा रही है वो क्या है, इसमें देखिए ऑलमोस्ट 24,673 शेयरों की जो है इसमें अभी अपने सेलिंग के ऑर्डर लग चुके हैं, मतलब कि 93.50 जो उसका करंट प्राइस चल रहा है उस पर जो है अभी सेलिंग साइड पर जो है ऑर्डर लग चुके हैं, जो साइड जो ऑर्डर बाइंग साइड पर थे अब जो है वो सेलिंग साइड पर फिर से हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब कि अभी इसमें अभी थोड़ी बहुत आपको गिरावट के जो है लोग गिरावट के लिए जो है सोच रहे हैं कि इसमें गिरावट आ सकती है, इसलिए लोग इसको बेच के निकलने की जो है ट्राई कर रहे हैं। बात करते हैं वो नेगेटिव चीज़ क्या है, क्यों इसमें जो है गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है और हमें अभी प्राइस मूवमेंट आपको ऊपर या ऊपर जाने को क्यों नहीं मिल सकता, क्यों इसमें अभी अप ट्रेंड नहीं आएगा कुछ दिन, तो वो देखते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट। तो देखिए नेगेटिव पॉइंट जो है वो है आपका SMH Stage 4, क्योंकि ये देखिए स्टॉक अपना SMH Stage 4 में पहुँच चुका है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है क्रूशियल मोमेंट पर ये शेयर पहुँच चुका है, अभी ये Stage 1 में था और Stage 1 के बाद देखिए अब Stage 4 में पहुँच चुका है, मतलब कि काफ़ी जो है इस पर सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं और अब जो है इसमें आपको बताएं तो काफ़ी दिन तक ये चीज़ आपको देखने मिलेगी SMH में, ये शेयर बहुत दिन देखने को मिल सकता है, मतलब 90 डेज तक तो इसकी लिमिट है कि 90 डेज तक ये शेयर SMH में रह सकता है, अगर उसके पहले निकला था तो अच्छी बात है, वरना 90 डेज तो ये अब समझ लीजिए SMH में रहने वाला है, मतलब कि अब जो है काफ़ी इस पर ध्यान रखा जाएगा कि इसमें क्यों बड़ा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और कहीं ऑपरेटर्स तो इसको कहीं अपना ऑपरेट तो नहीं कर रहे, तो काफ़ी नज़र अब सेवी रखने वाला है इस शेयर पर। इसमें आपको इसलिए कुछ दिन गिरावट या फिर बोल सकते हैं कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, मतलब कि तेज़ी इसमें कुछ दिन आपको नहीं देखने को मिलेगी, जब तक कि पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं मिल जाएगा इनको सेबी की तरफ से, तब तक जो है इसमें आपको गिरावट ही देखने मिलेगी या फिर उसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, मतलब कि अभी आपको बाइंग अब नहीं करनी है, जब भी कोई स्टॉक SMH 4 में पहुंचा तो आपको गलती से भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्राइस मूवमेंट नहीं होता, मतलब कि ना तो स्टॉक ऊपर जाता है ना बहुत ज़्यादा नीचे आता है, वो एक ही जगह घूमता रहता है, इसलिए आपको जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको अभी थोड़ा सा बाइंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें अभी वेट कर सकते हैं, बाकी अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो अभी आप इससे निकल सकते हैं टेम्परेरी रूप से, बाकी जब ये नीचे आएगा तब आप इसमें अपनी दोबारा से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो बात करें इसमें लेवल्स की, कौन से इंपॉर्टेंट इसमें लेवल रहेंगे, कहाँ पर आप फ्रेश बाइंग अपनी कर सकते हैं और आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या इसमें अपनी नेक्स्ट मूव लेनी चाहिए। देखिए आपका फ्रेश बाइंग का सबसे अच्छा ऑप्शन है वो देखिए आपका 12.45 और 13.45, ये आपके दो बहुत अच्छे सपोर्ट रहे पहले भी और आगे भी यही दोनों सपोर्ट रहने वाले हैं, 13.45 और 12.45। देखिए हमने आपको बहुत पहले ये सपोर्ट दिया था
₹13.45 का, और देखिए यहीं पर इसने बार बार सपोर्ट लिया, और ये देखिए अभी पर अभी भी देखिए उसी लेवल पर भी टिका हुआ है। तो अगर इसमें और गिरावट आपको देखने को मिलती है, अगर ए सेमेस्ट की वजह से इसमें और भी गिरावट आती है, तो देखिए ये ₹12.45 के लेवल तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ₹12.45 का, अगर ये लेवल टूटे तो ये आपको फिर काफ़ी नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है कि ये इसके नीचे जाएगा। ₹12.45 के नीचे जाने के एक बहुत कम चांस है, आपको काफ़ी नज़र रखनी है ₹13.45 पर और ₹12.45 पर। ये तो रही, ये तो बात रही कि सपोर्ट की, तो फ्रेश बैंक आपको क्या करनी है, तो फ्रेश बैंक जब ये नीचे आएगा तब आप अपनी फ्रेश बैंक अपनी ₹12.45 पर अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है आपके बैंक करने के लिए, तो आप इसमें ₹12.45 पर अपनी फ्रेश बैंक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये ₹13.45 पर सस्टेन करता रहता है, यहीं पर अगर ये कंसोलिडेशन दिखाता है, तो आप यहाँ पर भी अपनी फ्रेश बैंक कर सकते हैं, मतलब कि अगर ये इस पर सस्टेन कर जाए तो आप इसमें बाई करें। अगर ये इसके नीचे आता है तो आपका ये बहुत अच्छा सपोर्ट ₹12.45 का है, ये पर यहाँ पर जो है अपनी आप जो है फ्रेश बैंक कर सकते हैं। तो अभी आपको इसमें वेट करना है, थोड़ा अभी इसमें इंतजार करना है फ्रेश बैंक करने के लिए। ऑलरेडी आप इसमें इन्वेस्ट हैं तो आप अभी इसमें चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में लगा पैसा लगाने के लिए आए हैं तो आप इसमें अभी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कब तक कर सकते हैं, तब कि ये ₹12.45 तक है, जब तक ये ₹12.45 के ऊपर है तब तक आप इसमें आराम से होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले भी जो है चाहें तो इससे अभी निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, मतलब कि आपको तेजी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि आपको अभी इसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो आपका शॉर्ट टर्म में रुकना इसमें कोई मतलब नहीं होता कि आप इसमें अभी कुछ भी पैसा ज़्यादा नहीं बना सकते, इसलिए आपका इसमें रुकना भी कुछ मतलब का नहीं है। तो चाहे तो आप इससे अभी टेम्प्रेरी रूप से निकल सकते हैं। बाकी जब ये सेमेस्टर बाहर निकलेगा फिर से ऑपरेटर इसमें अपनी एंट्री लेंगे तो ये स्टॉक फिर से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें अभी बैंक से तो बचें, बाकी इन्वेस्ट है तो आप चाहें तो इससे टेम्प्रेरी रूप से जो है निकल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले इसमें अभी होल्ड कर सकते हैं, कंपनी में फिर से आपको जल्दी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी इसमें गिरावट थोड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी अभी जो है थोड़ा सा अलर्ट मोड पर ये शेयर रहने वाला है, कुछ दिन जो है सेबी का समय रहेगा, इसलिए जो है आपको थोड़ा सा इसमें गौर बना के रखना है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट हैं तो थोड़ा सा आपने इस स्टॉक पर नज़र बना के रखी, बाकी ये हमारे लेवल्स हैं, आप इसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपका टारगेट जो रहेगा जब इसमें तेजी आएगी वो रहेगा ₹14.90 का टारगेट नंबर वन। कुछ और इसमें एक बात और है कि इसमें तेजी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, मतलब कि ये स्टॉक अभी अप डाउन जो है करता देखने मिलेगा, मतलब कि एक ही रेंज में बार बार अप डाउन करता हुआ देखने मिलेगा, इसमें थोड़ा बहुत तेजी भी अभी हल्की फुल्की देखने मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी तेजी इसमें अभी नहीं आएगी। तो आपका टारगेट रहेगा ₹14.90 का टारगेट नंबर वन, टारगेट नंबर टू रहेगा आपका ₹15.80 का, और टारगेट नंबर थ्री आपका है ₹17.60 का। उसके पहले आपका एक और बहुत अच्छा टारगेट है, वो आपका रहेगा करीब करीब आपका ₹14, और करीब करीब ये आपका टारगेट जो है वो है ₹14.30 के आसपास का आपका रहेगा टारगेट नंबर वन। अगर इसके पहले अगर आप टारगेट लेना चाहते हैं ₹14.90 के पहले टारगेट एक है ₹14.30 का, तो आपके ये लेवल से आप इसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।